हाय नमस्कार दोस्तों, 123 ऑनलाइन किया मैं फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन देखिए इससे आप संतुष्ट होंगे, थोड़ी भी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि कोई भी न्यू निकल के आप लोगों से मिस ना हो। ठीक है, तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि रीमेडिकल कब से होगा और कब तक हमारी फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगी, कब तक फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों से बता दूं कि अभी भी कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है। ठीक है कि 100% सटीक मैं कुछ भी नहीं कह सकता आप लोगों से, बस एक अंदाज़ा ही लगा सकता हूं कि इतने दिन तक हो सकता है। अगर मान लीजिए अगर ये लॉकडाउन 3 मई को ख़त्म हो जाता है, ठीक है, चांसेज है कि 3 मई तक ये ख़त्म हो जाए और भगवान करे कि ऐसा ही हो कि 3 मई तक ये लॉकडाउन है ख़त्म ही हो जाए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको 10 मई तक आपको, ठीक है, 10 मई तक किसी भी हाल में आपको इसका SSC GD की कोई ना कोई नोटिस और उम्मीद है कि RME जो है आपका रीमेडिकल वो स्टार्ट भी हो जाए 10 मई से। ठीक है, अगर ये 10 मई से स्टार्ट हो जाता है तो आपका 20 जून करीब आप उसको 40 दिन चाहिए, करीब करीब 40 दिन लगेंगे आपको। जैसे कि पता है कि जो पिछली बार जो शेड्यूल उसका जारी हुआ था रीमेडिकल का वो 24 मार्च से स्टार्ट होकर 30 अप्रैल तक जा रहा था। ठीक है, तो आप मान के चलिए कम से कम 40 दिन करीब, ठीक है, लगेगा। तो यानी मान के चलिए अगर 10 मई से अगर स्टार्ट हो जाए तो आपको 20 जून तक ही ख़त्म होगा RME जो है आपका रीमेडिकल वो 20 जून तक ही ख़त्म होगा। ठीक है, उसके बाद SSC को कम से कम महीने से 1.5 महीने का टाइम चाहिए उसको, ठीक है, कवर करने के लिए, आपका मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिए, ठीक है, कट ऑफ तैयार करने के लिए आपका जो SSC को चाहिए कम से कम महीने से 1.5 महीने का समय उसको चाहिए। ठीक है, तो वो अगर मान के चलिए तो अगस्त मिड अगस्त तक आपका जो फाइनल रिजल्ट देने, अगस्त मिड अगस्त तक आपकी जो है फाइनल जो है कट ऑफ और मेरिट फाइनल जो लिस्ट है वो मिड अगस्त तक आपको देने की एकदम पूरी संभावना है। ठीक है, अगर ये 10 मई से कुछ नोटिस SSC GD की आ गई तो, ठीक है, अगर नहीं आई तो और इसका पोस्टपोन और आगे डेट जा सकता है। तो उम्मीद है कि कुछ नहीं होगा, आपका ये 3 मई से सब कुछ खत्म हो जाएगा और आप इंडिया फिर से अपने रास्तों पे आ जाएगा। बहुत लॉकडाउन हो चुका और बहुत से काम बंद हो चुके हैं, तो इसके अकॉर्डिंग अब सिचुएशन सही हो जाए और आप लोग घर पे रहिए ताकि आप लोग भी हेल्प करिए इस सिचुएशन को सही करने में, ताकि ये जल्दी से सब कुछ सही हो और नॉर्मल ट्रैक पे आ जाए। ठीक है, सब कुछ ट्रैक पे आ जाए और आप अपना जो भी है शेड्यूल उसके हिसाब से सब कुछ हो। और SSC ने अपना काम तो स्टार्ट ही कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि दो नोटिस जारी हो चुकी हैं, 24 अप्रैल तक 2 नोटिस जारी कर चुका है। एक तो MPR जो सेकेंड पेपर उसका डिस्क्रिप्शन लेटर का जो उसका रिजल्ट जारी करने वाला था 30 अप्रैल को, लेकिन उसको पोस्टपोन करके क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग उसने उसका रिजल्ट जो है पोस्टपोन कर दिया और फ्रेश डेट डालेगा, न्यू डेट डालेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको न्यू डेट आएगी। ठीक है, और बहुत से क्वेश्चन ये आते हैं कि अभी भी मैं अपने कम से कम हर कोशिश करता हूँ हर एक वीडियो में ये कवर कर दूँ, जो फिट कैंडिडेट है वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं कि सर क्या मेरा अभी भी रिजेक्शन स्लिप आ सकता है, मेरी ये दिक्कत है, मेरी ये प्रॉब्लम है। भाई उनको मैं बता दूँ, जो मेडिकल फिट कैंडिडेट है उनका रिजेक्शन स्लिप आता ही नहीं है। ठीक है, अगर उनका बाई चांस कोई मिस्टेक है तो उनको मेमोरेंडम सेंड किया जाता है। मेमोरेंडम के बारे में मैं आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में आप देख सकते हैं कि लिंक होगा, आपको दे दूंगा लिंक इसका दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आप वहां पे देख सकते हैं और यहाँ पे आई बटन में भी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पे आई बटन में भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक मिल जाएगा कि मेमोरेंडम में क्या करना पड़ता है। आपको 100 रुपए की एफिडेविट जमा करना पड़ता है और क्या, वहां पे जाएंगे जमा करेंगे आपका सब कुछ सही मान लिया जाएगा। ठीक है, तो मेडिकल फिट कैंडिडेट जो हैं वो डरे ना, उनका कोई रिजेक्शन स्लिप नहीं आने वाला है। ठीक है, अभी तक मेरे पास बस एक आसाम का छोड़कर उसके डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक थी, उसके बाद मुझे किसी का भी रिजेक्शन स्लिप मेडिकल फिट कैंडिडेट का नहीं देखने को मिला। तो अगर आप मेडिकल फिट हो तो आप टेंशन छोड़ दीजिए कि आपका रिजेक्शन स्लिप आने वाला, फिर मुझे दोबारा इस टॉपिक पे आप लोगों को ना बताना पड़े कि मेडिकल फिट कैंडिडेट को रिजेक्शन स्लिप आएगी या नहीं आएगी। हर वीडियो में थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग मुझे भूलना पड़ जाता है, ताकि इतने कमेंट आ जाते हैं कि मैं बोलना पड़ जाता है मुझे आप लोगों के सामने आकर इससे दोबारा ना बोलना पड़े तो आप अच्छा होगा कि आप लोग समझ जाएं एक ही वीडियो में। तो बार बार जो कैंडिडेट को पता है वो भी बेचारे परेशान होते हैं कि सर यही बार बार आके बताते हैं। तो मैं क्या करूं, आप कमेंट नीचे में आप देख सकते हैं कि हर वीडियो के नीचे इस पे कमेंट पड़ जाते हैं 2-4, तो मुझे बताना पड़ जाता है आके। ठीक है, और रही बात मेरिट की कट ऑफ की कि कितनी कट ऑफ इंक्रीज हो सकती है, ठीक है, तो मैं बता दूं कट ऑफ इंक्रीज होने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि बस पॉइंट
0.04 ही कम किया था तो उसमें 20,000 कैंडिडेट आ गए थे, जो एडिशनल वालों की मैं बात कर रहा हूँ। 0.04 ही माइनस किया था, डिक्रीज किया था, उसके अंदर 20,000 स्टूडेंट आ गए थे ऑल ओवर इंडिया से, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि कट ऑफ कितना बढ़ाएगा, कि कितने बच्चे बाहर हो जाएंगे और स्टूडेंट की संख्या कितनी है, फिट स्टूडेंट की संख्या कितनी है, ठीक है। तो आप समझदार हैं, इतने तो समझदार है कि आप समझ सकते हैं कि कितना इंक्रीज होगा और कितना डिक्रीज हुआ था, कि इतने बच्चे बाहर हो गए, इतने बच्चे अंदर आ गए थे, और कितना इंक्रीज होगा तो कितने लोग बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो कट ऑफ बहुत हाइट है ही नहीं बहुत, यहाँ पे तो मैं बता दूं कि जो हाई कट ऑफ गया था वहां पे बस पॉइंट में बढ़ने वाला है, ठीक है, पॉइंट में बढ़ेगा बस, नंबर में नहीं जाने वाला इस बार, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो मिल जाएगी, थोड़ा सा आरएमई ये क्लियर हो जाए तो आपको एकदम क्लियर आपके सामने एकदम सही हो जाएगा कि कितने बच्चे अगर आरएमई में कितने फिट हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक रेशियो के हिसाब से मैं आपको कट ऑफ पे वीडियो डाल दूंगा, और आप वेट करिए थोड़ा सा। तो बस आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बेटर लगी होगी, अगर थोड़ी भी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी न्यूज़ निकल के आप लोगों से मिस ना हो, ठीक है। तो बस आशा आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।